टीचर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी इस प्यारी सी यूनिट का पांचवा वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी सजेशन है कि इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स जरूर मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हें देखे बिना आज का वीडियो लेक्चर समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट आज का वीडियो लेक्चर में मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं, या मुझे कहना चाहिए कि जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से पूछी जाती है। आप जानते हैं कि हर साल एग्जाम में एक या एक से ज्यादा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपको ग्राफ बनाने को कहा जाता है, या आपको ग्राफ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन कीजिए, या ग्राफ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर जानकारी किसी भी ग्राफ की प्रॉपर तरीके से आपके पास है तो उससे रिलेटेड सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो लेक्चर इसी पे बेस्ड है। तो क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं बहुत सारी बेसिक बातें आपको समझा चुका हूं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का वीडियो लेक्चर इससे पहले आया था, जहां हमने आइंस्टाइन के द्वारा दी गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझा था, जो कि थी ई यानी कि एनर्जी, और एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर मुझे कहना चाहिए ईवी नॉट is equal to h nu minus h nu naught। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है उसके आधार पे हम पढ़ते हैं कुल मिलाकर 5 important graphs which are based on photoelectric emission। तो आज का वीडियो लेक्चर की हेडिंग लिखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो आज के वीडियो लेक्चर की important हेडिंग है 5 important graphs। I repeat my sentence, 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ये 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये ग्राफ आपकी जानकारी के लिए बता दूं पूरी तरह से बेस्ड है। किस चीज पे बेस्ड है, पूरी तरह से बेस्ड है बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या मुझे कहना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सही सुना आपने, तो 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, वो 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स क्या है, ध्यान दीजिएगा प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। हम पढ़ चुके हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम पढ़ चुके हैं। एक बच्चा कहता है क्या, हम पढ़ चुके हैं कि हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एक हमने ये पढ़ा है। एंड हम पढ़ चुके हैं कि ईवी नॉट इज इक्वल टू h nu minus h nu naught। अब इन्हीं फॉर्मूलास के आधार पर हम हमारा पहला ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनके आधार पे मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला पहला ग्राफ किस चीज का है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला ग्राफ किस चीज का है, इन फॉर्मूलास में कौन सी क्वांटिटी क्या है और किस क्वांटिटी का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाफ एम वी मैक्स पर में आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एच न्यू इज द एनर्जी जो हमने उसे प्रोवाइड करी है, एच न्यू नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, या मुझे कहना चाहिए वर्क फंक्शन जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी फोटो सेंसिटिव मटीरियल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए। और EV naught में आप अच्छी तरह जानते हैं कि V naught is the stopping potential and nu is the frequency which is already incident on the material and nu naught is the threshold frequency, या मुझे कहना चाहिए the minimum frequency required to eject out the electron। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सबसे पहला ग्राफ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा सबसे पहला ग्राफ is a graph of relation, बिटवीन फ्रीक्वेंसी, जी हां फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे ज्यादा जो रिश्ता बनता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ही बनता है बाकी क्वांटिटीज का। तो सबसे पहला ग्राफ है हमारा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो,
फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां दिख रहा है? क्या यहां फ्रीक्वेंसी दिख रही है? दिख रही है, लेकिन क्या यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल है? नहीं है, वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो देखो मैंने यहां पे लिखा फ्रॉम द फॉर्मूला, हमारे सामने एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फ्रॉम द फॉर्मूला EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। सुनना, अगर EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, तो यहां पे मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बहुत ध्यान से सुनना, कि V नॉट के साथ E इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव नॉट। ये वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन को फाइव नॉट लिख दिया। या फिर V नॉट इज इक्वल टू H बटा E न्यू माइनस फाइव नॉट बटा E। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में साफ पता चल रहा है कि ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है और ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है, तो साफ साफ कहो ना सर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और मैथ्स में पढ़े जाने वाली इक्वेशन जिसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, तो कंपेयर करने पर मुझे प्राप्त होता है कि जो मेरा y इंटरसेप्ट है That is going to be V naught, और जो मेरा x intercept है, ये maths वाले बच्चे थोड़ा जल्दी पकड़ पाएंगे, लेकिन y intercept या x intercept का मतलब होता है कि कौन सी physical quantity, कौन से axis पे हमें मिलेगी या कौन से axis पे वो plot होगी। तो x intercept पे हमारी value जो आती है mx, ये slope है, ये slope है, तो frequency, फ्रीक्वेंसी हमें एक्स इंटरसेप्ट पे मिलेगी। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, तो ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा, ये आपका नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है, और ये h बटा e इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो m आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, इसे हम स्लोप ऑफ द ग्राफ कहते हैं। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा जल्दी पकड़ेंगे इस बात को। तो अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, दिस वैल्यू इज बेसिकली दिस माइनस फाइव नॉट बटा ई, एंड ये जो वैल्यू है ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब साफ है कि अगर आपने किसी भी एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी को उस पे इंसिडेंट किया, तो ज्यादा रोशनी का मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी का मतलब फालतू एनर्जी, और फालतू एनर्जी आप अच्छी तरह जानते हैं कहां खर्च होती है, काइनेटिक एनर्जी में। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसे रोकने के लिए वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली आपने शुरुआत कहां से करी, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसे रोकने की ताकत बढ़ी, तो रोकने की ताकत को वर्क डन कहते हैं और वर्क डन के पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो शुरुआत कहां से होती, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या हर मटेरियल की फ्रीक्वेंसी जो उस पर इंसिडेंट की जाए वो सेम होगी? नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर मैं इस ग्राफ में एक साथ कई सारे मटेरियल का ग्राफ प्लॉट करूं, तो अलग अलग मटेरियल का ग्राफ इज गोइंग टू बी अ पैरेलल लाइन, अलग अलग मटेरियल का ग्राफ इज गोइंग टू बी अ पैरेलल लाइन, बिकॉज एवरी डिफरेंट मटीरियल विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। हर एक मटीरियल की स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफर करेगी, हर एक मटेरियल की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जो हम उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं वो अगर हम डिफर करते हैं, तो वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। साफ साफ बोलो सर, मतलब आप साफ साफ कहो सर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है वो एक पैरेलल लाइन है, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे दिए हुए इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हर एक मटेरियल का थ्रेशहोल्ड, हर एक मटेरियल का
थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, हर एक मटेरियल के लिए थ्रेशहोल्ड जो होगा वो अलग होगा। तो ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बहुत प्यारा सा ग्राफ है जो यहां पे बनाया गया है और यहां पे आपको समझाया गया है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब सवाल आता है सर अगर ये पहला ग्राफ है सो व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई ये पहला ग्राफ है, यहां से बनाया, इस रिश्ते से बनाया, एक और चीज हम एनालाइज कर सकते हैं। आइए ये मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया है तो ये बहुत अच्छा ग्राफ है, एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस ग्राफ्स व्हिच कैन बी एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइए जो मेरा सेकेंड ग्राफ है, या मुझे कहना चाहिए मेरा दूसरा ग्राफ इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम वाली, एंड फ्रीक्वेंसी। एक बच्चा कहता है सर जी ये बताओ कि ये दोनों क्वांटिटीज आपको कहां दिख रही है, साफ साफ पता चल रहा है इस फॉर्मुले में दिख रही है। देखो जी अब मैं यहां पे लिखूंगा हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, यानी मुझे ये जो एनर्जी निकालनी है, सुनना साफ पता चल रहा है ये कांस्टेंट है, यानी मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की ज्यादा होगी तो प्राप्त होने वाली काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की कम होगी तो प्राप्त होने वाली काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपने खुद बताया था चिल्ला चिल्ला के इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स की बातें हैं, अगर एक मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी लेट अस से 40 जूल है, आपने 80 जूल दे दी तो बोलो फालतू कितनी दी, 40 जूल्स, तो फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, वही फालतू एनर्जी जो आपने 80 जूल की दी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो जो फालतू जूल्स की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना होती तो 40 जूल की फालतू एनर्जी पाई ना होती, अगर उस फ्रीक्वेंसी को घटा देते तो 40 जूल भी घटा देते या वो भी घट जाता और काइनेटिक एनर्जी आपको कम मिल जाती। अब अगर मैं इसी रिलेशन को अगर मैं y is equal to mx plus c से, अगर मैं इस इक्वेशन को y is equal to mx plus c से कंपेयर करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि x इंटरसेप्ट पे मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी और मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि y इंटरसेप्ट पे मुझे एनर्जी मिलेगी, यानी इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज एनर्जी एंड मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन को अगर मैं पीछे प्लॉट करता भी हूं तो यहां पे जाके कहीं मुझे माइनस फाइव नॉट मिलेगा, यानी दिस इज गोइंग टू बी माइनस फाइव नॉट। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों एक बार नहीं मैं कहता हूं दो बार सही, जो मैंने है बोर्ड पे बनाया उसे एक बार घूरो तो सही, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ, बहुत प्यारा सा ग्राफ है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, या मुझे कहना चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये न्यू नॉट होगी, अब किसी का न्यू नॉट जीरो तो होगा नहीं, और ये मेरा जो ग्राफ है ये न्यू का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये मेरा एनर्जी का ग्राफ है, न्यू नॉट पे एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा, अगर न्यू रहेगा कम तो एनर्जी रहेगी कम, जो न्यू होगा ज्यादा तो एनर्जी होगी ज्यादा। ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं समझा चुका हूं, पूरा कर चुका हूं ये सारा इरादा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। ये दूसरा ग्राफ है, मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं एक बार ये दूसरा ग्राफ आप दोबारा देख लीजिए ताकि मैं आपको अगला ग्राफ समझा सकूं कि हमारा अगला ग्राफ क्या है, द नेक्स्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, या मुझे कहना चाहिए द नेक्स्ट ग्राफ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ, इज अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ। अब सुनो इस ग्राफ से मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इस ग्राफ से हमें यह पता चल गया इससे पहले वाले से भी कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन को रोकने की ताकत भी ज्यादा लगी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हुई जो यहां पता चला। क्या इससे यह पता चलता है, क्या इससे यह पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, नहीं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट मींस आई, आई मींस Q by T and Q means Ne,
यानी I करंट डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, दे डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। बिल्कुल सही, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो आने वाले फोटॉन्स ज्यादा होंगे, आने वाले फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो निकलने वाले बाहर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। आप आने वाली एनर्जी को बढ़ाओगे तो उस एनर्जी को बढ़ाने से सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक फालतू एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो कि आने वाली इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाने से करंट ज्यादा नहीं मिलता। एनर्जी में छुपी होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि तीसरा ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो तीसरा ग्राफ जो हमारा बनेगा दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ, बहुत प्यारा ग्राफ है, दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और ये प्यारा सा सिंपल सा ग्राफ मैं सोच रहा हूं कि आपको तीसरा चौथा और पांचवा तीनों ग्राफ यही समझा दो, क्योंकि तीनों ग्राफ बहुत सिंपल है। ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा और ये मेरा पांचवा ग्राफ। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये मेरा थर्ड ग्राफ, ये मेरा थर्ड ग्राफ जो मेरे को आपको समझाना है, ये मेरा फोर्थ ग्राफ जो मुझे आपको समझाना है, और ये मेरा फिफ्थ ग्राफ जो मुझे आपको समझाना है। आई होप आपको समझ आना है। फिफ्थ ग्राफ, फोर्थ ग्राफ और थर्ड ग्राफ, ये किस चीज का ग्राफ है? दिस इज अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मेरा चौथा ग्राफ है, और मेरा पांचवा ग्राफ इज अ ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम लैग, या मैं कह सकता हूं कि कितना समय बीता। अब देखो देखो देखो, बहुत ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि EV naught is equal to h nu minus h nu naught and आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्या इसमें कहीं दूर दूर तक आपको करंट नजर आ रहा है? यानी फ्रीक्वेंसी और करंट एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। यानी अगर मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी दिखाता हूं और यहां पे मैं करंट दिखाता हूं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे करंट राइज जरूर करेगा। यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे राइज जरूर करता है, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका करंट अचानक से नहीं बढ़ेगा, विच मीन्स That frequency and current are both independent to each other. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बार ये ग्राफ देख लीजिए, which is a graph between frequency and photoelectric current. This is something very very important. मैं आगे से हटा रहा हूं, आगे से हटने का मतलब ही यही है कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड पे देखने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट ग्राफ दैट यू गेट टू सी इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, सुनना मेरी बात, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आपने मेरी तरफ पांच फोटोन भेजे और उन पांच फोटॉन्स की एनर्जी ही कम है 40-40 जूल के, फॉर एग्जाम्पल, सुनना, अगर आपने मेरी तरफ पांच फोटोन भेजे और वो उनकी एनर्जी 40 जूल है, और वही पांच फोटोन की जगह 50 भेज दो तब भी उनकी एनर्जी 40 जूल है, तो मुझे बताओ 40 जूल को रोकने के लिए जो मुझे वर्क डन करना है 40 जूल ही करना है। तो चाहे वो वर्क डन पांच लोगों पर हो या वो वर्क डन 50 लोगों पे हो, होगा तो 40 जूल ही। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट।
सुनना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने फोटॉन्स आ रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, वो किस एनर्जी से आ रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है। 40 जूल से आ रहे हैं तो भाई 40 जूल लगानी है, 5 आ रहे हैं 50 आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से उनकी एनर्जी बढ़े ये जरूरी नहीं है। बात समझ आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप पुरानी सारी बातें भूल गए हो और आप कहीं ना कहीं चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। इसलिए अगर आपने अभी भी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लो ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं आप फिर से लिखूंगा, इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। तो अगर मैं ग्राफ में यहां पे इंटेंसिटी बनाता हूं एक्स एक्सिस पे, मैंने एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी बना दी और मैंने यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बना दिया, तो उसकी जो भी वैल्यू है वो वैसे भी कांस्टेंट रहने वाली है। इंटेंसिटी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बढ़ती। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट पे अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको चीजें समझ आए और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैंने आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत में ही कह दिया था कि हमारे इस वीडियो लेक्चर की हेडिंग है 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें मैं इससे पहले के 3 ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आज आपको उसी को कंटिन्यू करते हुए चौथे ग्राफ तक लेकर आ गया हूं, और चौथा ग्राफ क्या है मैंने समझा दिया। आओ बात करते हैं पांचवे ग्राफ की, क्या कहता है। फिफ्थ ग्राफ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम लाइन। ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट है क्या, यार खुद सोचो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आप एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे रोशनी को लाके टकराओगे, तो जो रोशनी आप लाके टकराओगे या जो लाइट आप उस पे इंसिडेंट करोगे, उस लाइट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ फोटॉन्स जब आपके फोटो सेंसिटिव मटेरियल से टकराएंगे, टकरा के उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धक्का मारेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे तो उनके मोशन से करंट पैदा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड आउट दे कॉन्स्टिट्यूट अ करंट कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड आउट कॉन्स्टिट्यूट अ करंट कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूज टू राइज, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेट हो जाता है। एक बच्चा कहता है क्यों, आप खुद सोच के देखो, क्या इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, एक बार बाहर आ गए तब तो बहने दो इलेक्ट्रॉन्स को। भाई अगर 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और 50 ही निकल रहे थे तो समय तो बीतता जाएगा, तो क्या 50 से ज्यादा निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो एक कोई तो टाइम एस्टिमेट होता होगा ना सर, जिस टाइम में हम ये कह सकते हैं कि यार इतने टाइम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे खासे हो जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए उतने निकल जाएंगे। तो ये देखा गया है कि नो डाउट कि शुरुआती दौर में समय के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं उनके कारण जो करंट हमें प्राप्त हो चुका है अब क्यों बढ़ेगा, यानी वो सैचुरेट हो चुका है। यही वजह है कि जब ग्राफ बनाया जाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब ग्राफ बनाया जाता है टाइम के साथ, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, तो पता चलता है कि करंट धीरे धीरे राइज करता है और एक पॉइंट पे आके सैचुरेट कर जाता है। जिस टाइम पे आके वो सैचुरेट कर जाता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, उस टाइम की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10^-9 सेकेंड्स। यानी जितने इलेक्ट्रॉन फोटो सेंसिटिव मटेरियल से निकलने थे भाई निकल चुके हैं, और इतने टाइम में अप्रोक्सीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं और कांस्टेंट करंट हमें मिल जाता है। आई होप मेरे द्वारा समझाने पर मेरे बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। तो आपको एटलीस्ट ये 5 ग्राफ एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों से रिलेटेड
काम जरूर आएंगे, और कभी कभी तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन एंड व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू इंटरप्रेट फ्रॉम ईच ग्राफ। तो पहला ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया दैट वॉज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दूसरा ग्राफ मैंने आपको जो पढ़ाया दैट वॉज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। तीसरा ग्राफ आपके सामने, चौथा ग्राफ आपके सामने, पांचवा ग्राफ आपके सामने। मैं हट जाता हूं आपके सामने से, एक बार नहीं मैं कहता हूं दो बार सही, दो बार नहीं तो मैं कहता हूं तीन बार सही। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कम से कम बोर्ड पे दी गई मेरे द्वारा इस हर सूचना को घूरो तो सही। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंपॉर्टेंट ग्राफ का एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा वीडियो लेक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आज का लेक्चर यही होता है समाप्त। जीवन है अभी बहुत पर्याप्त, आपको करनी है अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई अच्छे से, ताकि हो सके कामयाबी की आपके जीवन में शुरू एक नई सौगात। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आई अगेन रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड कीप डिवोटिंग मैक्सिमम टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, जो कि बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप में से किसी बच्चे ने मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, या आप में से कोई बच्चा मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद किताब खोलता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं है जीवन में, याद रखना। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल पे अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यूनिट खत्म नहीं हुई है, लौट के आऊंगा, अगला वीडियो लेक्चर जल्दी लेके आऊंगा। वंस अगेन थैंक यू।